नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। दोस्तों, आपने घंटाघर का नाम तो काफ़ी सुना होगा। बिजनौर के अंदर ही है घंटाघर, लेकिन घंटाघर आपने देखा नहीं होगा, केवल नीचे से ही देखा होगा। तो आज मैं आपको घंटाघर की उसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ पर घड़िया होती थी, यानी घड़ी है, आज भी है। तो किस स्थिति में है वो हम आपको वीडियो के अंदर पूरा दिखा देंगे। तो वीडियो में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक व्यू, ये पूरा कैमरे में शायद नहीं आ रहा, मैं आगे चलकर आपको दिखा देता हूँ। पहले थोड़ा सा ये देखिए मार्केट का नज़ारा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये मार्केट है, दुकानें हैं और इसी के पास मतलब ये घंटाघर बना हुआ है, घंटाघर के नाम से मशहूर है। तो अभी मैं आपको इधर से ये दिखा देता हूँ, काफ़ी ऊँचाई पर है ये, देखिए आपको दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा इसमें क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि दूसरी साइड से सूरज की किरणें आ रही हैं। अभी मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इधर से और ऊपर की साइड से अभी हम आपको दिखाएंगे। नीचे से आपने देख लिया, इधर भी घड़ियाँ लगी हुई हैं और सामने की ओर भी, यानी चारों तरफ इसके घड़ी थी। और ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं जो मार्केट के पास ही है, नीचे की ओर ये दुकान वगैरह बनी हुई है जिनकी ये तस्वीर है आप यहाँ से देख रहे हैं। और पास में ही यहाँ पर जो है वो सब्जी मंडी है इसी के पास में, और ये घंटाघर के नाम से मशहूर है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं घंटाघर के पास ही खड़ा हूँ और अभी कुछ देर में आपको ऊपर चलकर दिखाने वाला हूँ यहाँ का पूरा नज़ारा। नीचे से आप देख रहे होंगे ये व्यू और एक घड़ी भी दिखाई दे रही होगी, लेकिन ऊपर चलकर हम आपको दिखाएंगे क्या आज भी चलती है, टिक टिक की आवाज़ आज भी आती है या नहीं आती है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं हमारे। तो देखिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर आने के लिए, बिल्कुल गोल गोल चढ़कर आप ऊपर पहुँचते हैं यहाँ से। सीढ़ी आप देख सकते हैं ये जो गोल गोल बनी हुई है, कैमरे में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग की व्यवस्था इतनी सही नहीं है, लेकिन मैं चल रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे गोल गोल। तो देखिए दोस्तों, हम ऊपर आ चुके हैं और ये तीसरी जाने चौथी मंजिल है, मुझे ध्यान भी नहीं रहा। और ये घड़ी आपको दिख रही होगी इस तरह की, इस साइड में ये घड़ी लगी हुई है। और अभी एक सीढ़ी यहाँ से जाती है, तो यहाँ से मैं ऊपर चलकर आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ, हो सकता है और कुछ हमको यहाँ से देखने के लिए मिल जाए। और भैया मक्खी भी काफ़ी उड़ रही हैं यहाँ। तो पहले तो आप ये देखिए जो मंडी है सब्जी मंडी, उसी के पास है ये घंटाघर बना हुआ, और इसके जो है वो पूरा व्यू मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, और बिजनौर की भी तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पर घड़ी लगी हुई है, एक घड़ी इधर की साइड लगी हुई है, और पहले टिक टिक की आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती थी, लेकिन इस समय ये बंद पड़ी हुई है, ये चालू नहीं है। और दूसरी साइड में यदि आप देखेंगे तो इस साइड में भी ये घड़ी लगी हुई थी जब चलती थी, हो सकता है कि ये चार तरफ हैं। तो नीचे चल कर भी मैं आपको दिखूँगा, क्योंकि दूसरी तरफ जाने के लिए ये जिस छत पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये इतनी है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। और नीचे का व्यू मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, तो पहले आप यहाँ से देख लीजिए। और इसकी पूरी जो कहानी है वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूँगा, यदि यहाँ कोई मिलता है तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, अन्यथा वीडियो में मैं आपको बता दूँगा ये किसने बनवाया था और कब बना था, वो पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में मिल वो पूरी जानकारी आपको वीडियो में मैं बता दूँगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं घड़ी की सुइयाँ एक जगह रुकी हुई हैं, जो सुइयाँ वो इस वक्त नहीं चल रही है। और
अब हम आपको दूसरी जगह दिखाएंगे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा इसमें क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि दूसरी साइड से सूरज की किरणें आ रही हैं। अभी मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, और सामने की ओर भी, यानी चारों तरफ इसके घड़ी थी, और ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं जो मार्केट के पास ही है। क्या नाम है जी आपका? सलीम अहमद। तो सर, क्या कहानी इसकी, घंटाघर की? ये बहुत पुराना है, बना हुआ सर 1927 का। 1927 का? अच्छा। 1927 में दर्शन सिंह बैंक कमिश्नर थे, उन्होंने बनवाया था इसे जी। और ये थोड़ा ऊपर कर लो माइक। अब लगभग बंद हुए 8-10 साल हो गए घड़ियों को बंद हुए, बंद पड़ी है घड़ी। अच्छा अच्छा। तो जब ये चलती थी घड़ी, तो टिक टिक की आवाज कितनी दूर तक जाती थी, ऐसा सुना जाता है? टिक टिक की आवाज नहीं आती थी, टिक टिक की चलती थी। अच्छा। अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे की ओर, यानी कि ये पूरा मार्केट बिजनौर का आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, और मार्केट के अंदर ही यहाँ पर जो है वो घंटाघर बना हुआ है। और एक बार मैं यहाँ से देख लेता हूँ यहाँ से कैसा व्यू आता है घंटाघर का, क्योंकि वहाँ पर हम नज़दीक में ही थे, और यहाँ से भी काफ़ी अच्छी क्लियरिटी आपको दिखाई दे रही होगी, और ऊपर का पूरा नज़ारा आपने देख लिया। दोस्तों, अब हम बताते हैं जो कहानी हमने पढ़ी है घंटाघर के बारे में। एक जमाना था जब बिजनौर में बिना घड़ी का घंटाघर था। 59 साल बाद घंटाघर में घड़ियां भी लगी, किंतु कुछ साल चलने के बाद इन घड़ियों की टिक टिक बंद हो गई, जो वर्तमान में भी आप देख रहे होंगे बंद पड़ी हुई है। बिजनौर घंटाघर का निर्माण 1926 में अमीनुद्दीन ठेकेदार ने कराया था। जिस भूमि पर अमीनुद्दीन ठेकेदार ने घंटाघर बनवाया था, उस भूमि को पालिका प्रशासन ने ठेकेदार को मुआवजे के रूप में दी थी। उस वक्त इस घंटाघर का शिलान्यास अंग्रेज कलेक्टर बोट्स ने किया था। आपको बता दें, घंटाघर में घड़ियां लगाने का मुद्दा लोग उठाते रहे। वर्ष 1983 में तत्कालीन DM दर्शन सिंह बैंस से घंटाघर में घड़ियां लगवाने की मांग की। 2 साल बाद यानी 1985 में 59 साल बाद घंटाघर में घड़ियां लगा दी गई, किंतु घंटाघर के रखरखाव की व्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं किया गया। घड़ियां लगने के बाद कुछ साल तो टिक टिक की आवाज सुनाई दी, लेकिन कुछ साल बाद घड़ियां खराब हुई तो उनकी मरम्मत नहीं कराई गई। यही वजह है कि बिजनौर के घंटाघर में लगी घड़ियों से टिक टिक की आवाज नहीं सुनाई देती। दोस्तों, लास्ट में आपको बता दें, जो सलीम जी हैं जिनसे हमने बातचीत की है और आपने वीडियो में देख भी लिया होगा, उन्होंने 1927 बताया था जो घंटाघर का निर्माण है, और जो हमने पढ़ा है वो 1926 है। तो दोस्तों, आज हमने आपको घुमाया बिजनौर के घंटाघर पर। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं जल्दी कोई नया अपडेट लेकर किसी नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।